मॉर्निंग गर्ल्स, मैं आज आपको सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 5 एक्सप्लेन कर रही हूँ। तानसेन, आप बहुत ध्यान से समझिए इस लेसन को। यू हैव मे बी हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ आर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। बहुत बड़े म्यूजिशियन हमारी कंट्री भारत देश के बहुत नामी सिंगर रहे, बहुत फेमस, वेरी टैलेंटेड। उनका नाम तानसेन था। ये सिंगर कौन? मुकुंददास मिश्रा एंड इज वाइफ लिव्ड बेहद नियर ग्वालियर। उनके माता पिता का नाम, पिताजी का नाम मुकुंददास मिश्रा और माँ का नाम माँ ग्वालियर में के थे। और उनका ये इकलौते बेटे थे और बहुत ही नॉटी थे। इवन वो जंगल में जब खेलने जाते थे तो बिल्कुल बर्ड्स और एनिमल की बिल्कुल ऐसा परफेक्टली साउंड निकाल लेते थे, उनकी कॉपी कर लेते थे, उनकी आवाज़ की इमिटेट कर लेते कि लगता कि कोई पक्षी की आवाज़ बोल रहा है। शुरू से ही बहुत शरारती लेकिन चतुर, होशियार और टैलेंटेड थे। उनमें हुनर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ था। बेहद में इनका जन्म हुआ था। एक बार की बात है, जंगल में अपने शिष्यों के साथ स्वामी हरिदास जी घूमने के आए हुए थे। तो वो उन्हें थक गए तो उन्हें कहा चलो अब अपन थोड़ा आराम कर लेते हैं पेड़ की छाँव में। और उन वो आराम करने के लिए बैठ गए तो तानसेन जंगल में खेल रहे थे। उनको ध्यान, उनको लगा कि अरे ये तो घूमने आए हैं, चलो ये ट्रैवलर्स हैं, इनको हम डराते हैं, मैं डराता हूँ। तो उन्होंने क्या करा, शेर की आवाज़ निकाली। शेर की आवाज़ भी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही निकाली कि सब लोग डर गए कि अरे यार। स्वामी हरिदास ने कहा कि चलो सब डरो मत, अपन टाइगर को देखते हैं, हमेशा ऐसा नहीं कि टाइगर हमला ही कर देते हैं। देखा तो उन्होंने एक कहा कि नहीं नहीं ये तो छोटे बच्चे ने आवाज़ निकाली, मतलब उसने टाइगर की हूबहू वैसी आवाज़ निकाली जैसे कि टाइगर आ गया हो। बोलने वाला, एक तो ये शरारती बच्चा, इसने आवाज़ निकाली है। तो स्वामी हरिदास ने उसको सजा नहीं दी। उन्हें उसके पापा के पास गए और बोले कि तुम्हारा आपका बच्चा भले ही बहुत नॉटी हो लेकिन बहुत टैलेंटेड है, मैं आप इसको मुझे सौंप दो, आप मुझे इसको दे दो, मैं इसको एक बहुत अच्छा गायक बना के आपके सामने पेश करूंगा, मतलब इसको एक ट्रेनिंग दूंगा। और 10 साल के थे और स्वामी हरिदास के साथ चले गए। उसके उनके पापा ने कहा ठीक है। और साथ में 11 इयर्स तक उन्होंने संगीत की शिक्षा हासिल करी और बहुत प्रसिद्ध सिंगर, एक गायक बन गए महान। और पेरेंट्स जब उनके मर गए तो उन्होंने, मुकुंददास मिश्रा इज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मरते समय तक उनके पापा के जो गुरु जी थे मुकुंददास मिश्रा उनके पिताजी थे, तो उन्होंने उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि तुम मेरे गुरु जी जो मोहम्मद गौस जी हैं ग्वालियर में, उनके से मिलके, बहुत एक गुरुजी हैं मेरे, बहुत पवित्र इंसान हैं, उनसे तुम मिलो। और उनकी सेवा में लगे थे तो बोले कि तुम जाके उनसे मिलो ग्वालियर में। तो रानी मृगनैनी, देखो क्या हुआ कि तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। देयर ही मैट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडी ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। अब तानसेन ग्वालियर में उनसे मोहम्मद गौस से मिलने गए तो वहाँ पे रानी के कोर्ट में वो हमेशा जाते थे, वो रानी खुद गाती थी मृगनैनी। और वहाँ पे उनको एक उनकी एक दूसरी सिंगर मिली और उनसे उनसे शादी करी, उसका नाम था हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम अ स्वामी हरिदास डिसाइपल। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हू वर ऑल वेरी म्यूजिकल। दोनों ने शादी कर ली, दोनों के 5 बच्चे हुए, 5ों बच्चे ही सिंगर थे, गाना गाते थे, अच्छे सिंगर थे। तानसेन तो खुद धीरे धीरे बहुत फेमस हो गए और उनकी प्रसिद्धता उनके राजा अकबर तक पहुंच गई। एम्परर सम्राट अकबर ने भी उनके कई गाने सुने और उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे कोर्ट में, मेरे दरबार में आ जाओ और तुम मेरे दरबार में ही रहा करो। तानसेन 1556 में तानसेन जी ने अकबर का कोर्ट ज्वाइन कर लिया और बहुत ही फेमस, फेवरेट बन गए एम्परर के। इतने फेमस बन गए कि दूसरे लोग उससे जेलस करने लगे। दिन रात तानसेन उनकी सेवा में, अकबर की जब भी उनको बुलाते और उनके सामने उनको गाना शुरू कर देते थे। इतने ज़्यादा अकबर को इतना ज़्यादा पसंद था उनका गाना कि दिन रात वो उनको बुला के जब मन हो तब उनको सुनने करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उनके घर चले जाते थे। तानसेन जब रियाज करते थे तो अकबर जाके उनके घर के आगे खड़े हो जाते थे और खुश होकर उनको बहुत तोहफे, बहुत इनाम और उनके फेवरेट बन गए। इस चीज़ उनको इतना पसंद करने लगे कि दिन रात उनको अपने साथ रखने लग गए। इससे दूसरे दरबारी चिढ़ने लग गए, उनको जेलिसी की भावना आ गई कि ये ईर्ष्या आ गया मन में कि ये तो तानसेन को ही फेवरेट बन गया अकबर का, हमको तो ये पूछते भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि नहीं, तानसेन इस कि हम इसको इसका कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, इसको तो एम्परर से कुछ तो इसका छुटकारा दिलवाना पड़ेगा, इसको हमको कुछ प्लान करे कि ये मर जाए। तो उन्होंने कहा कि उसी में से एक दरबारी शौकत मियां था, उसने कहा मुझे एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में तानसेन से पीछा छुड़ाने के लिए और अकबर से इसको हमेशा के लिए दूर करने के लिए एक आइडिया है। उन्होंने कहा कि अगर एक राग दीपक होता है, अगर उसको अच्छे से गाया जाए, बहुत तरीके से उसको प्रॉपरली दिल से गाया जाए, तो क्या करते हैं, हवा में होती है गर्मी आ जाती है और सारे जो सिंगर होता है ना वो खुद जल के राख हो जाता है, वो गाते गाते ही वो जलने लगता है और पूरा जल के राख हो जाता है। और तानसेन तो खुद इतना अच्छा सिंगर है, वो जरूर राग दीपक प्रॉपरली गाएगा और वो इस तरह से मर जाएगा और हमें छुटकारा मिल जाएगा।
शौकत मियां ने जाके अकबर से कहा कि देखो वो तानसेन, हमें नहीं लगता कि तानसेन इतना महान सिंगर है, जो उसको बुलाओ और बोलो राग दीपक गाए, अगर वो राग दीपक प्रॉपर लगाएगा तो ही वो उसको मानेंगे कि वो एक बहुत अच्छा गायक है। तो तानसेन तो अकबर के सबसे खास हम खास थे, वो उनकी बुराई कैसे सुन सकते थे। उसने कहा कि हाँ रे मेरा तानसेन तो कुछ भी गा सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो राग दीपक तो नहीं गा पाएगा। बोले नहीं गा लेगा। उसको बुलाया और बोले कि तुम्हें इस दिन राग दीपक गाना है। तानसेन तो डर गया, जैसे ही सुना कि ये राग दीपक गाने के लिए कह रहे हैं, तो लेकिन वो अपनी राजा की आज्ञा को अवहेलना नहीं कर सकता था, उसको तो राजा की आज्ञा माननी पड़ी थी। तो उसने कहा कि ओके मेरे आका, मैं जब आप बोलोगे मैं तैयार हूँ। तानसेन अब घर गए और बोले, बहुत ही दुखी और बहुत ही मन उदास और चेहरा उतरा हुआ। तो उसकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया मुझे राग दीपक गाने को बोला अकबर जी ने। तो उन्होंने कहा कि आप, तुम्हें तो पता है कि आग लगते ही सारे जो दिए होते हैं वो बुझे हुए दिए जलने लगते हैं, हवा गर्म हो जाती है और मैं जो गाने वाला होता है वो खुद ही जल के राख हो जाता है इस गाने से। तो उसने कहा कि वाइफ ने, अरे चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, अगर राग दीपक के साथ कोई राग मेघ गाए तो एंड उसको तरीके से पूरे सुर में और दिल से गाए तो बारिश भी आ जाती है। ऐसा ये सच में होता है, राग दीपक गाने से अगर दिए जल जाते हैं, बुझे हुए सब जगह हवा गर्म होके आग लग जाती है, वैसे ही राग में गाने से बारिश भी आ जाती है। तो उनने अपनी बेटी डॉक्टर, जो उनकी बेटी थी सरस्वती और उसकी फ्रेंड थी रूपवती, उसने कहा कि वाइफ ने, कि दोनों मिलके राग दीपक राग में गा सकती हैं, इनको ट्रेन कर देते हैं अपन, और जैसे ही आप राग दीपक गाओगे और आग लगना शुरू होगी, राग में गाएंगे तो बारिश आएगी तो आग बुझ जाओगे और आप ऐसे जलने से बच जाओगे मरने से। तो उन्हें दोनों लड़कियों को बुलाया और उनको दिन रात 2 हफ्ते तक, 14 डेज तक खूब प्रैक्टिस करवाई राग में गाने की, और एंटिल वेटिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तो उन्होंने कहा तानसेन उनको ट्रेन करे और उनके गाने से सच में बारिश होने लग गई, इतना अच्छा वो गाना लगे दोनों, एक उनकी बेटी सरस्वती और दूसरी उसकी फ्रेंड रूपवती। और उसको ट्रेन करके बोल दिया, जैसे ही राग दीपक मैं